We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. मैं हूँ आकाश। पहले मेरी लाइफ बहुत ही प्यार भरी और खुशियों भरी थी, लेकिन मेरी माँ के गुजर जाने के बाद सब बदल गया। पापा ने दूसरी शादी कर ली। कपड़े रखे हैं, जा प्रेस पर जाके। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहता हूँ, जो कि मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और बात बात पर मुझे मारते हैं और मुझसे घर के सारे काम करवाते हैं। मेरे पापा विदेश में नौकरी करते हैं और कभी कभार ही घर आते हैं। मेरी इस कंडीशन के बारे में मेरे पापा को कुछ नहीं पता। पापा, हेलो पापा। आकाश बेटा, कैसे हो? पापा। बेटा सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं पापा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है यहाँ, और मैं भी ठीक हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे धमकी देती है कि मैंने पापा को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार देगी। लेकिन जब भी पापा इंडिया वापस आते हैं तो इन दोनों का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल बदल जाता है, ताकि पापा को शक ना हो। आकाश, ओए आकाश, जल्दी आ। हाँ मोनू। जा जल्दी से मेरे पानी लेकर आ। लाता हूं। मोनू, पानी। गलती से मेरे हाथ से ना पानी गिर गया। चल अब साफ कर। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? इसके बाद तुझे मेरा होमवर्क भी करना है। जल्दी सफाई कर। शक्ल क्या देख रहा है? दिख नहीं रहा, कचरा पड़ा है, उठा। वाओ मम्मी, हमारा क्रिसमस ट्री कितना अच्छा लग रहा है। मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और बेटा, वहां पर जो सॉक्स रखी हुई है ना, उसमें तुम अपनी विशेष डालोगे वो जरूर पूरी होगी। सच्ची मम्मी? सच्ची। और तू ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे क्रिसमस ट्री से दूर ही है ना।
थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मेरी ये विश है कि मैं सेंटा क्लॉस से मिलना चाहता हूँ। काश सेंटा क्लॉस मुझसे मिलने आए। हमेशा की तरह आज भी वो मुझे घर पर अकेला छोड़कर बाहर घूमने गए हैं। हाय आकाश, मैं हूँ सेंटा क्लॉस। तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। सेंटा, तुम सच में होते हो? हाँ, जो भी मुझे दिल से याद करता है मैं उसके पास आ जाता हूँ। मुझे लगा था कि सेंटा सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन तुम तो हकीकत में हो। आकाश, मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। पेट भर के खाओ आकाश, ये सब तुम्हारे लिए है। थैंक यू सेंटा, तुम्हारी वजह से आज मैं इतने दिनों बाद पेट भरकर खा पाया हूँ। ये सब तो मैंने पता नहीं कितने सालों पहले खाया था। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो मुझसे अपने बेटे जैसा नहीं बल्कि किसी नौकर जैसा ट्रीट करती है और बहुत मारती है। थैंक यू सो मच सेंटा कि तुम मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने आ गए। आकाश मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। चलो अब स्माइल करो। हाय पापा। आकाश बेटा, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। बेटा कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा बर्थडे क्रिसमस के दिन आता है। बेटा तुमने अपने जन्मदिन के लिए नए कपड़े लिए हैं ना? हाँ पापा, मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। और आज इवनिंग में पार्टी करने जा रहे हो ना? हाँ पापा, आज शाम को हम पार्टी करने जाने वाले हैं। मुझे पता है तुम अपना बर्थडे खूब इंजॉय कर रहे होंगे। चलो बेटा मैं तुम्हें काम से फ्री होकर फोन करता हूँ। ठीक है पापा, बाय बेटा। बाय। अरे वाह आकाश, आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ सेंटा, मैं क्रिसमस के दिन पैदा हुआ था। पापा पूछ रहे थे कि मैं अपने बर्थडे में एंजॉय तो कर रहा हूँ ना, लेकिन उनको क्या पता कि मैं यहाँ पर अपनी लाइफ किस तरह से बिता रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उदास मत हो मेरे बच्चे। आकाश जल्दी जरा। आया। यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें मांज। मम्मी लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ। बोला ना, जाकर मांज। यहाँ पर इतने सारे बर्तन पड़े हैं, लेकिन नहीं, इसको तो टीवी देखना है। लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। और सब तुझे बताती हूँ, तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ी है ना, अभी तेरी अकड़ खाने लगाती हूँ। ये ले, कोई काम नहीं करता ना,
ये ले, ये दे, काम शो, काम नहीं करता, आता रहता है, ये ले, और सुन, इधर आ। हम लोग क्रिसमस पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं और आने में लेट होगा, तब तक ये जो अगर गंदा पड़ा है ना इसको साफ कर देना, वरना पता है ना फिर मैं क्या करूंगी। आकाश रेडी हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लेकिन सेंटा, मैं आपके साथ कहीं बाहर कैसे जा सकता हूँ? घर तो अभी भी गंदा पड़ा है और मम्मी ने बोला है कि उनके आने से पहले घर साफ होना चाहिए, वरना वो मुझे बहुत मारेंगी। बस इतनी सी बात, तो ये लो। तो चलने के लिए रेडी हो? हाँ। आकाश मेरे बच्चे, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है और सबसे बेस्ट क्रिसमस है। थैंक यू सेंटा, थैंक यू सो मच मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। मैं तुम्हें स्पेशल फील क्यों ना करवाता, आखिर तुम इतने स्पेशल जो हो। सेंटा, मुझे नीचे कुछ गरीब परिवार दिखाई दिए, क्या हम उनकी मदद करने चल सकते हैं प्लीज? हाँ जरूर, चलो। सेंटा, आज मेरा बर्थडे है और क्रिसमस भी, तो क्या आप मुझे एक गिफ्ट देंगे? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पता है कि अगर मैं आपसे विश मांगूं कि मेरी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर मेरे साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर दें, तो आप मेरी ये विश पूरी कर देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे वो विश नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इन गरीब परिवारों की मदद करें और इनके जैसे इस देश में जितने भी गरीब हैं उन सबकी मदद करें। तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूरी करता हूँ, हाथ आगे करो। थैंक यू सेंटा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, ये हमारी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद बेटा। इसमें आपके लिए कंबल है और साथ ही में आपके खाने के लिए भी, लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। थैंक यू सो मच सेंटा, थैंक यू। मैरी क्रिसमस। तो घर चलें? हाँ चलो। आने दे से, मुझसे बिना पूछा गया ना, आज नहीं छोड़ूंगी इसको। लो आ गया ये। कहाँ था तू? हाँ, और ये नए कपड़े तेरे पास कहाँ से आए? बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, बताती हूँ रुक। ये पिलर ऊपर कैसे उड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मैं हूँ सेंटा क्लॉस और तुम दोनों को सबक सिखाने आया हूँ। कौन वाला?
सेंटा रुक जाओ प्लीज। तो तुम दोनों को दर्द महसूस हुआ? कुछ इसी तरह के दर्द से हर रोज आकाश गुजरता है। इस मासूम से बच्चे को तुम लोग कितना मारते हो और तंग करते हो। जब विश मांगने की बारी आई तो इसने खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचा। आकाश के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आजा मेरे पास आजा। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे अपनी गुनाहों की माफी कैसे मांगूं। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं नहीं मम्मी, आज सांता क्लॉस ने मुझे एहसास कराया कि मैंने तेरे साथ गलत व्यवहार करके कितनी बड़ी गलती की। बेटा अब से मैं तुझे तेरी माँ की तरह प्यार करूंगी, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। मम्मी मैं तो आपको हमेशा से अपनी माँ ही मानता हूँ। हमें किसी को भी तंग और उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि इन लोगों को सही समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। थैंक यू सेंटा। मे गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस। हाय गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM, क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे। याद रखना तो फटाफट से मॉक पीटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। तो ये है हमारी 2020 की लास्ट वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे 2021 में। आपके क्रिसमस और न्यू ईयर के क्या प्लान है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।